صفير البلبل هيج قلب الثمن. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। हमारे जो कराची के मुफ्ती हैं, मुफ्ती मियां, उन बेचारों ने इचरा वाक्य के ऊपर बिल्कुल सही बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगता है बचपन में इनके दिमाग के ऊपर कोई चोट लगी थी तो बस दिमाग इनका चल गया है, ये लोग इस्लाम की बदनामी करवा रहे हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। जनाब दूसरी तरफ से टीएलपी वालों का बयान आ गया कि तेरे कार पहुंच रहे हैं। मुफ्ती साहब ने वो हिस्सा ट्रिम करवा दिया, ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो ट्रिम भी हो जाती है, फिर भी उन्हें सुकून नहीं आया। फिर नीचे कॉमेंट्स करवाए कि जी मैं आपको नहीं कहना चाह रहा था, क्यों कहना चाह रहे थे अभी, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, वीडियो उन्होंने अनलिस्ट कर दी, पब्लिकली नजर ना आए, अनलिस्ट कर दी। ये टोटल हिम्मत है इन लोगों की। फिर हमें कहते हैं इंजीनियर साहब जो है वो हमारी तरह दुनिया के मुल्कों में जाके बताएं। मैं इसी मुफ्ती मियां को अगले दिन मुझे एक क्लिप सामने आया तो वो कह रहा देखें हम तो दुनिया में जाके ही जाते हैं, देखें इंजीनियर साहब ने इतना मुतरफर करवाने की कोशिश की उसके बावजूद उलमा की कितनी कदर होती है। मुफ्ती साहब अगर मैं जाऊँ ना जितने बंदे तो हजार इकट्ठे होते ना, इस तो 10 गुना हो जाएंगे। लेकिन उसमें निकलेगा क्या, रामसूर लेके आऊं वापस मैं, लोगों के चंदों के ऊपर जाऊं, ये पूरे पूरे खर्चे वो लोग उठाते हैं, ये दलील है। तो इस तरह की जलील हरकतें हमसे नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। और दूसरी तरफ हमारे जो एक दूसरे भाई हैं साहिल भाई, उनसे जब पॉडकास्ट में पूछा जा रहा है कि आप टीएलपी को जानते हैं, वो कहते हैं मैं तो जानते ही नहीं हूं टीएलपी को। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे एक बंदा, और वो भी उसमें पाकिस्तान को वो एक अजीम खिलाफत का गढ़ बनाना चाहता है, और वहां की तीसरी बड़ी जमात वोट लेने के एतबार से पीटीआई पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर नून लीग, तीसरे नंबर के ऊपर तरीके लबैक है पंजाब में, वो कह रहे मैं तो जानते ही नहीं उनको। वान तुम तालमून, इतनी बुजदिली, इतनी बुजदिली। और इन्होंने लोगों के बच्चों को यरूशलम भेजना है जिहाद के लिए, उन्हें पता है यार ना हमने वहां जाना है ना इसराइल नहीं आना है, लेकिन टीएलपी होते मेरे कार बढ़ जाएंगे। तो कोलो फेल में तजाद है ना भाई, जो मैं हूं ना सामने वही मैं प्राइवेट भी हूं, वही पॉडकास्ट में भी हूं। तुम लोग कितने चेहरे हैं, जिधर बैठते हो वो बात करते हो। अभी खतरा लगा हुआ था, अभी एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ये जो मजहबी जमातें जोश दिलाती हैं ना, चले इनकी ये बरकत है कि करंट बाकी है, मुसलमानों को मार रहे थे। हाँ, आप जितना ज्यादा रिलीजियस होगा मैं उतना खसीस हो जाऊंगा ना। अल्लाह भला करे, ये यू नो रिलीजियस राइट विंग रिलीजियस पार्टीज का अल्पल करंट लगा देते हैं 14 साल के नाम पे, मगर इतना खसीस मुसलमान हिस्ट्री में नहीं कभी हुआ, बिकॉज इस्लाम की डेफिनेशन के अंदर आर्टी टाइप चेंज हो गई। लानत ऐसी करंट होते जिसमें मुसलमानों की जिंदगी वल्नरेबल हो जाए। ज़ालिमो तस्वीर के दोनों रुख पेश किया करो, सिर्फ मजहबी जमातों को खुश करने के लिए कि कहीं कोई मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में दर्श देने हूं तो कोई छुरा लेके तो फाड़ ना दे मेरा पेट, इस किस्म की बयानबाजी करते हो। ये इस किस्म के जितने लोग हैं ना, ये आपको धोखे में रख रहे हैं, इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। आपको ये कहते हैं केएफसी का बायकॉट करो, मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज तरीके से करो, जो लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे उनकी जॉब का बंदोबस्त करो, मौलवियों के चंदों से। सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करूंगा इन चीजों का बायकॉट करने के, मुझे तो फर्क नहीं पड़ना, मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं, व्हाट्सएप मुझे इस्तेमाल नहीं करना आता, मैं तो लैपटॉप के ऊपर जो कुछ करता हूं करता हूं, मेरे पास तो वो ठीक पर मोबाइल जिनका देना है वो है, तो चित्र मोबाइल है लंबे, तो मेरी तो कोई चीज टेक में नहीं लगी हुई है, मसला तुम्हारे लिए। इसको उन्होंने गलत रंग दिया कि इंजीनियर साहब जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, फिर देखें करामत हमारी जाहिर हुई, कुछ अरसे बाद उनकी तस्वीर बाहर निकलाई, टोयोटा गड्डी एडी वडी कटवा ली जनाब उन्होंने, पूरे पाकिस्तान ने एक दिन में जो केएफसी खा के उनको टैक्स देना था ना, उस बंदे अकेले ने जनाब टोयोटा को दे दिया कि लो जी टैक्स जो इसराइल सपोर्ट करो, जाहिर इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों में शामिल है। अभी तक उस बंदे ने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया केस की, हमारे पे कोई बड़े लेवल की कोई चीज आती है मैं फौरन क्लेरिफिकेशन देता हूं कि भाई ये यूं नहीं था यूं था, हमारे स्टूडेंट्स वीडियो अपलोड कर देते हैं कि यूं नहीं था यूं था, अगर कहीं पे गलती हो मैं अपना रुजू भी रिकॉर्ड करवा देता हूं। इसका मतलब है ये सिर्फ ऐसी बात करते हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है, जिससे इनकी लाइफ वल्नरेबल ना हो। तो इस तरह मुनाफिकत के साथ तो जिंदगी आप नहीं गुजार सकते, सोशल मीडिया आपको हॉन्ट करेगा, आपकी स्टेटमेंट्स दिखाएगा।